और यहाँ कुछ काम चालू है सामने रास्ते का, इसलिए ट्रैफिक अभी फिलहाल रोक के रखी है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर में स्वागत है आप सभी का। तो वही है रास्ता, और वहाँ से कोई अगर बाइक वाला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे चीटी जा रही है। वो उधर से आए, उधर से। तो तंगलांगला से निकलते ही आगे कुछ दूरी पर अभी निचले हिस्से पे हम आ जाते हैं, और यहाँ से बर्फीले जो पहाड़ है वो थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं, और खुले खुले नंगे पर्वत ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है, टू वे है फिलहाल, और अच्छी कंडीशन में मस्त चलती है गाड़ी, स्मूथ चलती है। नज़ारे बहुत अलग टाइप के अच्छे अच्छे दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अभी फिलहाल कुछ किलोमीटर तक ग्राउंड लेवल पर है, हम चल रहे होते हैं, पहाड़ियाँ आजू बाजू में होती है, और बीच में बड़ी सी प्लेन बेल्ट प्लेन टापू मिलता है, तो उसमें से जो गाड़ी जाती है तो उसका भी मज़ा, उसका भी नज़ारा कुछ अलग ही हटके होता है। जैसे देख सकते हो आप, स्पीड भी अच्छी मेंटेन होती है यहाँ पे, आराम से 80 की स्पीड में आप कुछ डिस्टेंस तक कवर कर सकते हो। धूप अच्छी खिली हुई है, तेज धूप है। झाबने वाली पहाड़ी कैसे दिखती है, कैसे उसके कलर्स है, खास तौर से उसका कुछ प्लेन बेल्ट के बाद का नज़ारा सामने, आड़ा खड़ा हुआ पहाड़, धब्बे लगे हुए, और कुछ दो कलर के जो है ना पहाड़ के, कई कुछ मट्टी जैसे लग रहे हैं और कुछ पत्थर जैसे, तो उनमें से जो कलर्स उभर आ रहे हैं इतने सुंदर लगते हैं सामने, जैसे कोई किसी ने लैंडस्केप खड़ा किया हो, जैसे किसी ने कुछ पेंटिंग बनाई हो। मैंने जहाँ देखो वहाँ नज़ारों की कोई कमी नहीं, जिधर देखो उधर खूबसूरती ही खूबसूरती। यहाँ के देखो पहाड़ कैसे सुनहरे सुनहरे पहाड़, फिर ब्राउन पहाड़, फिर गोल्डन पहाड़, एक से एक बढ़कर के नज़ारे। और ये अभी पूरी ढलान वो देखो, सामने ट्रक जा रहे हैं, उधर से जाना है अपने को, ढलान ही ढलान है। तो ऐसे घूमते फिरते अपने को नीचे जाना है अभी, वो उधर से आए अपन। ब्रो सामने देखो पहाड़ियों में कैसे नज़ारे, कैसे टीले बन के दिख रहे, और ये ही नीचे जाना है खाई में अभी। लेकिन पहाड़ों को जैसे तराशा हुआ डिजाइन लग रही है वहाँ पे, क्या कहना चाहिए उसको, कैसे स्कल्पचर है, बहुत ही सुपर। रेत के ग्लेशियर्स नजर आ रहे हैं वो। तो ये है पांग विलेज, विलेज का एक 5-7 रेस्टोरेंट वगैरह लगे हैं, 5-7 यहाँ पे मकान बने हुए हैं, उन्होंने शायद ये रेस्टोरेंट वगैरह लगाए हुए हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप है। तो यहाँ के विलेज बोले तो ऐसे छोटे छोटे ये 2-4-5 घरों के विलेज, वही होम स्टेज, उसी में रेस्टोरेंट, और फिर पास में ही आर्मी का कैंप। और ये आ गई अपनी MH-17 गाड़ी। ऐसा है कुछ काम चालू ही है रास्तों का अभी, इसका रिवाइडनिंग का, रोड वाइडनिंग, रोड रिपेयरिंग, तो गाड़ी पूरा झूला झूला रही है, गाड़ी ने खूब झूला है, लद्दाख में खूब झूला है, खूब सस्पेंशन का बिल्कुल काम हुआ, और सबसे ज़्यादा झूला है वो चांगला पास में, पूरा शेक करके रखा गाड़ी को, और बदन को पूरा। जुगल ब्रिज है ये, जुगल ब्रिज, तो ये ब्रिज पर से अभी गाड़ी जाने वाली है, देखो जुगल बंदी होगी गाड़ी की और ब्रिज की, बोनेट जोड़ के कैमरा, पूरा फूटा हुआ ब्रिज।
टूटा हुआ ब्रिज लग रहा है, नया ब्रिज बनने का काम चालू है। तो पत्थर देखो पहाड़ी सामने की कैसे खड़ी वाली, उसको क्रैक गए क्रैक। इसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। और ये भी पूरे पथरीले जो पहाड़ है वो नीचे गिरते हुए या फिर शूटिंग स्टोन जैसे पहाड़ है। यहाँ पे है मौका बैठने का, लेकिन धूप रहेगी, गाड़ी खड़े कर यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना पहाड़ बहुत खतरनाक पहाड़ है, यानी डेंजरस पहाड़ है। यहाँ पे कब नीचे खिसक के आएगा पहाड़ भरोसा नहीं। अरे वाह, सामने के देखो नजारे मोहनजोदड़ो के, उस टाइप का लग रहा है। और गाड़ी का टॉर्क शायद अपने आप ही बढ़ गया कि क्या पता नहीं, अभी थर्ड गियर में बिना एक्सलेटर दिए मुझे तो ब्रेक मार मार के चलना पड़ रहा है। गाड़ी अपने आप ही स्पीड पकड़ रही है, अभी इंजन से शायद बहुत ज्यादा ही फ्री हो गया, स्मूथ हो गया। सेकंड गियर में भी जब मैंने क्लच एक्सलेटर छोड़ दो फिर भी गाड़ी ऐसे सामने भागती, छाया तो मिलने वाली नहीं गाड़ियों की, बैठना पड़ेगा तो ऐसी पहाड़ों की छाया में बैठना पड़ेगा या फिर खुले आसमान में धूप के नीचे बैठना पड़ेगा पानी के पास। एक तो खाना बना के फिर गाड़ी में बैठ कर खाना पड़ेगा। नहीं वो क्या, वो तो बाहर भी खा सकते ना, बड़ी धूप अच्छी भी लगती। अभी गाड़ियों में तो स्वेटर निकाल लेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन वो सामने वाली गाड़ी जा रुकी नहीं, अपने को रुकने की ज्यादा जल्दी है नहीं। पुराने खंडहर वाले मंदिर इस टाइप से लग रहा है वो। रास्ता साफ करने का काम शुरू है, यहाँ भी रास्ते पे पत्थर और सब मट्टी आ गई थी, लैंडस्लाइड हो गया था। ये तो हमेशा का यहाँ पे चलता रहता है, ये कॉमन बात है लैंडस्लाइड की। यहाँ पे मशीनें चलती रहती है, कुछ देर रुक कर ही चलना पड़ता है, कुछ देर तो लगेगा ट्रैफिक क्लियर करने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए। ट्रैफिक जाम, वो ऊपर से गाड़ियाँ आने वाली जाने वाली कैसे नज़र आती है। ब्रिज पर से रास्ता बंद है इसलिए गाड़ियाँ इधर से निकल रही है। और ये हो गया कुछ ऐसा सीन कि कुछ दो चार लोकल की गाड़ियों ने गाड़ी, ये जो ब्रिज है ब्रिज का काम चालू है इसलिए ट्रैफिक रोका है, लेकिन कुछ लोकल की गाड़ियों ने शॉर्टकट मारने के चक्कर में पुलिया के नीचे से वाटर लॉगिंग से पानी से गाड़ी निकाल के यानी ये इस रास्ते से लेके गए। ये रास्ता जो है दिखाई पड़ रहा है ये, तो ये रास्ते से इन्होंने
कुछ लोकल्स की गाड़ियाँ चली तो गई, उसके पीछे फिर कुछ हमारे लोगों ने भी गाड़ियाँ डाल दी, उनके पीछे हमने भी गाड़ी डाल दी। लेकिन अब सीन ये हो गया कि इस चक्कर में जो नए ड्राइवर से उनको गाड़ियाँ डालना जम नहीं रहा, तो ड्राइवर जो किया सेल्टो से वो फंस गई वहाँ पे, वो अभी नहीं चल रही आगे, उसके पीछे अभी ये डिज़ायर अपनी खड़ी है। तो अपन ने अपनी गाड़ी यहीं पे रोक ली है, क्योंकि सामने जाके अगर वो पथरीले रास्ते पे, गिट्टी के रास्ते पे अगर वहाँ पे फंसती है तो वहाँ पे मोमेंटम नहीं बनता। अब दिक्कत ये है कि गाड़ी अपने को चलानी है मोमेंटम से, अगर गाड़ी बीच में रुक जाती है ना तो बड़ी दिक्कत आएंगी। इसलिए एक बार मोमेंटम बन के चलाना, देखते अपनी बोलेरो नियो निकलती है कि नहीं, क्योंकि किया सेल्टोस फंस गई है, मारुति डिज़ायर अब खड़ी हो गई है, और ये ऐसे पूरे पर्वत है नज़र आप देख सकते हो, ट्रैफिक जाम है। मैं नहीं डालने वाला था लेकिन मेरे सामने वाले ऑफ रोडिंग की, वो पथरीले रास्ते से गाड़ी चढ़ाई एक्चुअली गलत था, लेकिन बोलेरो नियो का ये भी एक टेस्ट हो गया। किया सेल्टोस पूरी तरह फंस गई थी, डिज़ायर फंस गई थी, धक्का मार के निकालना पड़ा, लेकिन बोलेरो नियो आखिरी तक पहुंच गई। बस आखिरी में मुझे ये मालूम नहीं था कि वहाँ पे एकदम डीप ये है, तो वहाँ पे रास्ता जो है ऑफ रोडिंग में भी जो रास्ता बंद था तो साइड से निकालना पड़ता था, तो वहाँ पे मुझे मोमेंटम मेरा जो गाड़ी का मैंने बनाया था उसको रोकना पड़ा, इसलिए वहाँ पे गाड़ी को फिर दिक्कत आई, क्योंकि नेचुरली वो एकदम स्टीप पे था, पूरा पत्थर था नीचे, गोल वाले पत्थर थे नदी के बेड़ के, और स्टीप चढ़ाई थी। लेकिन बाद में थोड़ा सा मोमेंटम बना के थोड़ा सा पुश करके गाड़ी को निकालना पड़ा, गाड़ी लेकिन मेरी ना दिक्कत निकल गई। तो अभी पीछे वाली गाड़ी हमारी वो रुकी है, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो बैठे हैं अभी रिवर बेड में, क्या करेंगे तब तक वेट करते उनका।